राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार मनोरमा जी हमारे साथ हैं। मनोरमा जी, ये कांग्रेस में भी घोषणा पत्र में वही चीजें नजर आ रही, मैं गौर कर रहा हूं तो 200 यूनिट फ्री बिजली, आप एक तरीके से बिजली में किस तरीके से रियायत मिल सकती है, मुफ्त अनाज, पुरानी पेंशन और कुछ संगठनों का नाम लेते हुए एक तरीके से कम्युनल कार्ड खेलने का मौका मिला है सभी दलों को, एक वो बात छोड़ दी जाए तो हर किसी में कुछ ना कुछ रियायत देने की बात है, सब्सिडी देने की बात है, मुफ्त देने की बात है, ये कितनी बड़ी मजबूरी हो चुका है कर्नाटक में जी। तो हाँ, ये आज मतलब ठीक है, इस तरह से जो है ये एक अब ये राजनीति की एक शैली बन गई है जिसमें इस तरह की तमाम तरह की घोषणाएं। हालांकि ये भी है कि जब तक कि हमारा जो देश है, हमारे संविधान है, वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का है, जिसमें कि जब तक बहुत सारे लोग जो हैं आपके हाशिए के लोग हैं, तो उनके मद्देनजर तमाम कल्याणकारी योजनाएं भी सरकारों की जिम्मेदारी बनती हैं। तो ये है, इसके नजरिए से जो है बाकी तमाम पार्टियां एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में, इसमें अगर जनता का कुछ फायदा होता है बगैर देश का नुकसान हुए तो ये विन विन सिचुएशन हम कह सकते हैं। लेकिन ठीक है, अब हम इन सबको एक दूसरे की तुलना में देखेंगे। राहुल कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें खास तौर पे ये जो महिलाओं के लिए जो है निःशुल्क उसकी बस पास देने की बात उन्होंने की है, तो ये ऑलरेडी महाराष्ट्र में पहले से चल रहा था, आघाड़ी की सरकार थी उसमें भी ये चीज अभी भी महाराष्ट्र में है कि आप आधे दाम पर महाराष्ट्र की महिलाएं राज्य सरकार के किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड से सफर करते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में मैं गई थी महाराष्ट्र, तो मैंने देखा महिलाएं जो हैं इस योजना से मतलब उनको वो खुश है, हर तबके की महिलाएं होती हैं, उनका आना जाना कहीं भी जो है वो पहले के मुकाबले में सहज हुआ है। कहीं कोई जा रहा है तो उनको पता है कि इनका खर्च जो टिकट पुरुष जा रहा है उससे आधे पे ही आएगा, तो उनकी मोबिलिटी जो है वो बढ़ी है। तो मुझे लगता है मनोरमा जी, इसमें एक पॉइंट ये भी है, ये गौर करने वाली बात है कि जो स्कीम्स जिस तरह के चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं और कई जगह योजनाएं लागू की जाती है उसका फायदा गिनाया जाता है, लेकिन ये देखना होगा कि इन योजनाओं से जो वाजिब तबका है उससे कितना फायदा हो रहा है। दूसरा ये कि ये भी याद रखना चाहिए कि सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि मूलभूत सुविधाएं जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये दें। अगर आप ये देते रहेंगे तो चुनाव में इस तरह के वादे नहीं करने पड़ेंगे। और दूसरा ये कि दक्षिण भारत के कई राज्य हैं जो कि बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में थे, इस तरह के वादे करना और उसको लागू करने के चक्कर में बहुत ज्यादा राजस्व को घाटा भी हुआ और फिर कर्ज में भी आए, तो ये भी देखना होगा कि इस तरह की स्कीम्स क्या बोझ डालती हैं। हाँ, खैर वो एक मतलब क्या कहें, वो एक अलग बहस का विषय हो सकता है जो कि ज्यादा मतलब उसका समाधान जो है वो असेंबली में और संसद में इन सब जगहों में भी एक सहमति से जो ही बन सकता है कि आखिर कितना होना चाहिए और कहाँ पर काम होना चाहिए। लेकिन जब तक ये इस तरह की रोक लुभावन वायदों के साथ चुनाव को टारगेट किया, चुनाव जीतने हारने को टारगेट किया जाता रहेगा तो मेरे ख्याल से ये चीजें चलती रहेंगी। हाँ, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह की घोषणाएं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा की जा रही हैं। जैसे हमने देखा कि सिलेंडर देने के मामले में हम एक हिडन कॉम्युनल जो है वो ट्विस्ट देखते हैं, अगर भाजपा का देखते हैं उसमें तो, और बाकी चीजें जो है वो ठीक है और है, और कांग्रेस का भी उसी तरह से हम और जो भी मतलब उनकी जो घोषणाएं हैं वो एक खास तौर पे जैसे कि मिड डे मील है उसको लेकर के कर्नाटक में जो इम्प्लीमेंटेशन पिछले कुछ सालों में हुआ है उसमें जो भगवाकरण के कारण जो है बहुत नुकसान हुआ, तमाम तरह के रिपोर्ट है आप कर्नाटक पे पढ़ सकते हैं, सर्वे जो आए हैं उसके मुताबिक जो न्यूट्रिशन का जो लेवल है खास करके अंडा जो इंक्लूड किया गया था उसको हटा दिए जाने के कारण, तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जो कि पहले से योजनाएं चल रही थी उस पे इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा फर्क आया है तो उसके परिणाम में भी फर्क आया है।